सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सूर्य संक्रांति होती है, क्योंकि सूर्य उस दिन जो है दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और मकर राशि जो है शनि की राशि है, तो शनि के किसी भी दुष्प्रभावों से बचने के लिए उस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो उस दिन सबसे पहले आप सुबह उठ के अपने नहाने के पानी में सफ़ेद और काले तिल डालकर नहाएं, उसके बाद में आप एक मुट्ठी सफ़ेद और काले तिल में और आपने आप अपने घर के सब सदस्यों के ऊपर से उसको एक बार उसार कर कहीं घर के बाहर फेंक दें, तो आपके घर के हर सदस्य किसी भी तरह की बुरी नज़र से उससे बचे रहेंगे। इसके अलावा उस दिन आप एक तांबे के पात्र में थोड़ी सी रोली डालिए और एक गुलाब का फूल डालिए और दो दीपक लीजिए और दोनों दीपक को और उस पात्र को आप अपनी छत पर ले जाइए और वहाँ पे पहले आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, उसके बाद में आप दोनों दीपक जलाइए और दीपक जलाने के बाद में आप थोड़ी देर त्राटक क्रिया, त्राटक क्रिया मतलब आप जो दीपक जलाए है उसको आप एक मिनट दो मिनट तीन मिनट देखिए, उसके बाद में ओम भास्कराय नमः का आप एक माला जाप करिए, उसके बाद जो एक दीपक को वहीं रहने दीजिए और दूसरे दीपक को आप अपने घर लेकर आइए और घर के ब्रह्म स्थान में रखिए। तो जितनी भी सूर्य की पॉजिटिव ऊर्जा है, जितना भी अच्छी चीज़ें हैं, वो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सूर्य संक्रांति जो है पूरे साल आपके लिए बहुत अधिक सुख समृद्धि लेकर आएगी। अगर आप चाहें तो हर महीने इस क्रिया को कर सकते हैं जब सूर्य जो है दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं।